हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीआर स्टडी पॉइंट। आज के रीजनिंग के तीसरे सेशन में स्वागत है आपका। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है आज के पहला क्वेश्चंस में बोला, छह व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ वेयर अ पार्ट ऑफ इंडियन नेवी। छह व्यक्ति एक भारतीय नेवी के हिस्से में है, वो जॉब करते हैं। द पोस्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो भी पोस्ट दिया हुआ है इंडियन नेवी में वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे दिया हुआ है। पोस्ट का नाम दिया है, पहला पोस्ट का नाम मेंशन किया है एडमिरल के रूप में, दूसरा पोस्ट दिया वाइस एडमिरल के रूप में, तीसरा जो पोस्ट दिया है वो रियर एडमिरल के रूप में दिया है, चौथा पोस्ट है कोमोडोर का पोस्ट है, पांचवा कैप्टन का पोस्ट है और छठा जो पोस्ट दिया है वो कमांडर का पोस्ट है। अब इन सारे पोस्ट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे अगर आप इंडियन नेवी के अकॉर्डिंग्स में, कि नेवी के पोस्ट के आधार पर सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट आता है इंडियन नेवी में वो एडमिरल का पोस्ट आता है। सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट आता है जी वो एडमिरल का पोस्ट आता है, उसके बाद वाइस एडमिरल का पोस्ट आता है, उसके बाद जो आता है वो रियल एडमिरल का पोस्ट आता है, फिर कमांडर का पोस्ट आता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा पोस्ट आएगा वो कैप्टन का पोस्ट आता है, कैप्टन का पोस्ट आता है, फिर उसके बाद जो पोस्ट आएगा और सबसे लास्ट जो पोस्ट होगा वो कमांडर का पोस्ट आएगा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या मिला हमारे पास, एक पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे हम इसका, एक पॉसिबिलिटी चलेंगे एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, ठीक है जी, कॉमो डोर कैप्टन और यहां पे कमांडर, ये हमारा पॉसिबिलिटी डायग्राम्स हो गया। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या बोला है हमारे पास, अब बोला है क्या कि फर्दर इट वाज नोन एज, जहां तक हमको ज्ञात है क्या कि दैट ई वाज द कैप्टन पोस्ट इन अरिहंत। ई की जो पोस्टिंग हुई है वो कैप्टन के रूप में हुई है और किस शिप पे हुआ जी, अरिहंत के शिप पे हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे ई कर दो आप, ये कैप्टन है ही, ई कैप्टन हो गया है और किस पोस्ट पे हुआ, अरिहंत। क्लियर है, चलिए यहां भी हो गया और यहां भी कर दो, कैप्टन हमारा ई हो गया है, किस शिप का जी कैप्टन है, यह अरिहंत का है। वाह, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या बोला कि ए वाज इन द हाईएस्ट पोस्ट, ए जो है ना इन सब में सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे है, तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट हमारा क्या जी अरिहंत एडमिरल का है, सॉरी, तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट हमारा क्या हो गया, एडमिरल का हो गया। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने पे क्या बोला कि द कमांडर वाज पोस्टेड इन कालवेरी, जो हमारा कमांडर है ना वो किस शिप पे पोस्ट हुआ है, कालवेरी के शिप पे पोस्टेड है, हमारा कमांडर जो है वो कालवेरी के पोस्ट पे पोस्टेड है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कालवेरी है। क्लियर है, वो किस शिप पे पोस्ट है जी, किस शिप पे है, कालवेरी पे, कौन हमारा कमांडर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे क्या बोला है फिर, अब आगे बोला द पर्सन पोस्ट इन चक्रा, जिस व्यक्ति का चक्रा के शिप पे पोस्टिंग हुआ है वाज रैंक हायर देन द पर्सन पोस्ट इन अर्जुन, जिस व्यक्ति का चक्रा शिप पे पोस्टिंग हुआ है वो अर्जुन शिप वाले व्यक्ति से हायर पे है। तो मान लो कि अर्जुन का कहीं ना कहीं तो पोस्टिंग हुआ होगा इसके हायर पोस्ट पे, अच्छा सॉरी हायर पोस्ट पे, किसका ये कौन है चक्रा है, ठीक है, चक्रा सीप वाला जो व्यक्ति है ना वो हायर पोस्ट पे है कंपेयर टू अर्जुन पोस्ट, अर्जुन सीप वाले व्यक्ति पे। फिर बोला कि वाइस एडमिरल वाज नॉट पोस्ट इन अर्जुन, यहां पे किस पे जी, अर्जुन पोस्ट पे, अर्जुन सीप पे वाइस एडमिरल की पोस्टिंग नहीं हुई है। फिर बोला कि सी वाज पोस्टेड इन अबे, सी जो व्यक्ति है ना उसका किस शिप पे पोस्टिंग हुआ है, अब है के शिप पे पोस्टिंग हुआ है। क्लियर है, फिर इनके बाद इसके बाद बोला कि इन अ पोस्ट विच वाज जस्ट लोअर टू एफ, किसके व्यक्ति के नीचे, एफ मतलब कि जो एफ का रैंक है उसके जस्ट इमीडिएट नीचे वाले रैंक पे सी की पोस्टिंग हुई है और सी जो है ना अब है शिप पे पोस्टेड है। बी वाज पोस्टेड इन तर्कस, बी की जो पोस्टिंग हुई है वो तर्कस के शिप पे हुआ है। ये हमारा सारा है, अब इन तीनों चीज को इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले आप इसको पकड़ो, सबसे पहले अगर आप इसको पकड़ोगे, क्यों अब बता रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा वाइस एडमिरल, मान लो कि वाइस एडमिरल हमारा सी होता है, वाइस एडमिरल सी होगा तो सी के ऊपर में तो एफ होगा, क्योंकि एफ यहां पर ऑलरेडी हमारे एडमिरल के रूप में ए बैठा हुआ है, तो ये सी की प्लेस खत्म हो गई। अब हमारा सी रियल पोस्ट में आता है, रियल एडमिरल के रूप में आता है, तो एफ की पोस्टिंग यहां पर हो गई, ये कंफर्म हो गया, और सी जो है ना वो क्या है जी, अब है के सी पे है, ये भी हमारा हो गया, ये लाइन कम से कम इसके लिए एग्जिस्ट करेगा। चलो
अब यहाँ पे इस पॉसिबिलिटी लेते हैं कि सी का जो पोस्टिंग है वो कमांडर के रूप में हुई है, किस शिप पे जी, अब है के शिप पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अब यहाँ पे इसके जस्ट इमीडिएट अबव में रियर एडमिरल के रूप में कौन नियुक्त होगा जी, एफ की नियुक्ति होगी, ये बात भी हो गया। अब हमारे पास देखो, अब जब ये पोस्टिंग हो गई तो एक बार आप इसको उठाओ, अब ये कह रहा है कि अर्जुन के ऊपर वाले पोस्ट पे चक्रा जो मतलब चक्रा वाला चक्रा शिप पे जो व्यक्ति है उसकी पोस्टिंग है, तो अर्जुन शिप पे जो भी व्यक्ति है उसकी पोस्टिंग चक्रा शिप पे जो व्यक्ति है ना उसकी रैंक से नीचे है। मतलब कि अब हमारा एक मत और दिया था कि वाइस एडमिरल अर्जुन नहीं है, तो अब बताओ कि इसके नीचे कहाँ बैठा सकते हो आप, अब अर्जुन को यहाँ बैठा सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे चक्रा हो सकता है या चक्रा यहाँ पे हो सकता है, ये बात भी हो गया, क्लियर है। अब अगर यहाँ पे अर्जुन होता है तो यहाँ पे ऊपर में नीचे कहीं पे आपका चक्रा हो सकता है, लेकिन फिर बी हमारा तर्क शिप पे है तो कहाँ इसको बैठा सकते हैं, तो हमारे पास एक ही प्लेस है बी को यहाँ बैठाने का, और तर्कश जो पोस्ट है सॉरी जो तर्कश शिप है उस पे बी की पोस्टिंग हुई है, ये भी हमारा कंडीशन एग्जिस्ट कर गया इस पॉसिबिलिटी में। लेकिन जैसे ही हम चक्रा और अर्जुन को पोस्ट अब बैठाने आते हैं तो हमारे पास कहीं पे भी प्लेस नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वाइस एडमिरल जो है ना वो अर्जुन के सीट पे पोस्टेड नहीं है, इसलिए ये हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। अब हम आते हैं इस पॉसिबिलिटी पे, जब हम यहाँ पे आए तो हमारा एक चीज हो गया कि वाइस एडमिरल के रूप में हम बी को पोस्ट कर सकते हैं, बी जो है वाइस एडमिरल के पोस्टेड पे नियुक्त है, और इसका जो शिप है वो कौन सा शिप है जी, तर्कश, क्लियर। अब हमारे पास देखो सारे व्यक्ति बैठ गए, ए बैठ गया, बी बैठ गया, एफ बैठ गया, सी बैठ गया, ई बैठ गया, बचा क्या जी हमारा, एक डी बचा हुआ है, तो डी हमारा कमांडर के रूप में पोस्ट हो गया वो कालवेरी के शिप पे, ई हमारा अरिहंत शिप पे बैठा हुआ है कैप्टन के रूप में, सी हमारा कोमोडोर के रूप कोमोडोर पोस्ट पे है और वो अभय शिप पे है। अब हमारे पास बी बैठ गया वाइस एडमिरल पोस्ट पे तर्कश शिप पे, ठीक है, ए हमारा एडमिरल है और एफ हमारा रियर एडमिरल है। अब हम इस चीज को ये वाला जो लाइन है इसको नियुक्त करते हैं, इसको जो ऐड करते हैं, तो बोला कि अर्जुन शिप से हायर पोस्ट पे है चक्रा शिप, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन हो गया जी, रियर एडमिरल की पोस्ट पे अर्जुन हो गया, क्लियर है। अब अर्जुन रियर एडमिरल के पोस्ट पे हो गया और चक्रा जो है ना ये हमारा एडमिरल के पोस्ट पे हो गया, मतलब कि ए जो है वो चक्रा के शिप पे है और एफ जो है अर्जुन के शिप पे है। ये रहा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, अब हम आगे सॉल्व करते हैं इस पे आधारित पांच क्वेश्चंस। पीछे अभी हमने जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन था वो हमारा यहां पे आ गया है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला कि हु वाज पोस्टेड इन अर्जुन, अर्जुन शिप पे कौन पोस्ट है जी, तो अर्जुन शिप पे कौन है, एफ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट वाज द पोस्ट ऑफ डी, डी का पोस्ट क्या है जी, तो डी क्या है हमारा, कमांडर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट, ऑप्शंस में दिए गए तीन और जो ऑप्शंस हमारे इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट है, ठीक है। पहला क्या बोला जी, वी हमारा वाइस एडमिरल है, देखा तो वी हमारा वाइस एडमिरल है, हाँ है। दूसरा क्या बोला जी, जो रियर एडमिरल है वो अर्जुन के शिप पे है, जो रियर एडमिरल है वो अर्जुन के शिप पे है, अर्जुन के शिप पे एकदम है। फिर तीसरा क्या बोला है, ए जो है ना चक्रा शिप पे है, ए हमारा जो है वो चक्रा शिप पे है, हाँ है। तो सभी के सभी जो दिया गया ऑप्शन से वो क्या है जी, ऑल थ्री आर करेक्ट। चौथा क्वेश्चन बोला कि इन विच शिप वाज द पर्सन्स रैंक जस्ट अबव सी, सी के ऊपर जो व्यक्ति है वो किस शिप पे है, तो सी के ऊपर, तो सी हमारा अभय शिप पे है जी कोमोडोर के पोस्ट पे, और इसके ऊपर वाला व्यक्ति एफ है, और एफ जो है ना वो अर्जुन शिप का रियर एडमिरल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन इसका बोल रहा है कि हाउ मेनी पीपल्स वेयर रैंक्ड बिटवीन द पर्सन्स पोस्ट इन अभय एंड द पर्सन्स पोस्ट इन चक्रा, अभय और चक्रे के बीच में कुल कितने व्यक्ति है, तो अभय हमारा यहाँ पे है और चक्रा हमारा यहाँ पे, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति जी, एक व्यक्ति जो तर्कश शिप पे है और एक व्यक्ति जो अर्जुन के शिप पे है, दो व्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा जो अगला क्वेश्चन से है वो इनइक्वालिटी चैप्टर से है। क्या कह रहा है जी, हमारा इक्वेशंस क्या है, E ग्रेटर देन B, B इक्वल टू D, D इक्वल टू A, A ग्रेटर देन G, G इक्वल टू C,
और सी ग्रेटर देन एफ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज डेफिनेटली ट्रू। निश्चित तौर पे चार पांच ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास, बोला कि इस पांच में से दिए गए जो इक्वेशन है उसके इक्वेशंस के मद्देनजर कौन सा ऑप्शन निश्चित रूप से ट्रू होगा, मतलब चार में से जो गलती होंगे उसको छांट देना है और जो ट्रू होगा डेफिनेटली उसको टिक करना है। पहला क्या बोला जी, बी ग्रेटर देन ए। यहां पे देखो कि बी और ए, यहां पे बी इक्वल टू डी है, डी इक्वल टू ए है, तो इस चीज को अगर मैं रिवर्स कर दूं, मतलब कि डी इक्वल टू बी, तो हमारे इक्वेशन में कोई चेंज पड़ेगा? नहीं चेंज पड़ेगा, और यहां पे इक्वल टू ए है, तो बी और ए हमारे इक्वेशंस के आधार पे बराबर हो रहे हैं। तो पहला ऑप्शन में बोला कि बी ग्रेटर देन ए, तो ये क्या हो गया जी, रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या बोला जी, ऑप्शन डी इक्वल टू जी, वन सेकेंड देखिए, डी इक्वल टू ए और ग्रेटर देन जी, ए जो है ना वो जी से बड़ा हो रहा है, ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर है तो ए इक्वल टू डी कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे सिंबल क्या है, ग्रेटर का है, मतलब कि यहाँ पे डी जो है ना वो सी से बड़ा हो रहा है, जबकि इक्वेशन में जबकि हमारे ऑप्शन दे रहा है कि डी इक्वल टू जी है, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है कि एफ ग्रेटर देन ए, चेक करो अब आप, एफ कहाँ है जी, हमारा यहाँ पे है, ए कहाँ है जी, यहाँ पे है, इस मध्य में जो देखोगे हमारा इक्वेशन दिया हुआ है कि ए ग्रेटर देन जी इक्वल टू सी ग्रेटर देन ए, ये सी है, ठीक है। अब आ जाओ, ए सी जी से बड़ा है, जी और सी दोनों बराबर है, और सी जो है ना वो एफ से बड़ा है, सी जो है किससे बड़ा जी, एफ से बड़ा है, तो यहां से सिंबल स्टार्ट हो रहा है, ग्रेटर का सिंबल स्टार्ट हो रहा है, तो हमेशा ये जो एलिमेंट यहां का जो एलिमेंट होगा वो हमेशा बाकी सबसे क्या होगा जी, बड़ा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में कह रहा है कि एफ जो है ना ए से बड़ा है, तो ऑप्शंस नंबर जो थ्री है ये भी क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। अब आते ऑप्शन नंबर डी पे, डी क्या बोला जी, ई ग्रेटर देन जी, ई हमारा यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, एक बार देखो आप यहाँ से ये यहाँ तक जाने में सिंबल सारा ग्रेटर आ रहा है, बीच में इक्वल टू है, तो सारे के सारे ये बीच वाले जो इक्वल है वो बराबर हो गए, यहाँ भी ग्रेटर और यहाँ भी ग्रेटर, तो यहाँ का जो भी एलिमेंट होगा ना इसके रिस्पेक्ट में वो हमेशा बड़ा होगा, तो ई जो है जी से बड़ा है, ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक स्पेस रिस्पेक्टिवली इन सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच अ मैनर दैट मेक्स द एक्सप्रेशन एफ ग्रेटर इक्वल टू यू इज डेफिनेटली फॉल्स। मतलब हमको पिछला क्वेश्चन में ट्रू फाइंड करना था, इस क्वेश्चन में हमको डेफिनेटली फॉल्स फाइंड करना, मतलब कि पांच में से एक ऐसा ऑप्शन होगा ना जो वहां पे हमारे इक्वेशंस में एग्जिस्ट होगा और इस बात को वो गलत ठहराएगा, तो क्या करना है, ऑप्शन चेक करो, डायरेक्ट आप ऑप्शंस को ऑप्शन के थ्रू बनाओ। यहां देखो इसमें ऑप्शंस में सारे में इक्वल टू है, मतलब कि यहां से लेके यहां तक जो भी चीज होगा ना वो कहीं ना कहीं ग्रेटर इक्वल टू के रूप में होगा, तो ये हमारा खत्म हो गया। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या, एक सिंबल इधर है और एक सिंबल इधर, में बीच में जो भी एलिमेंट होता है यहां यहां के बीच जो भी रिलेशन बनता है वो सी एंड डी के रूप में आता है या इधर के रूप में भी आता है। तो इधर के रूप में कंडीशंस कब आता है, जब किसी भी दो एलिमेंट, मान लो कि यहां पे दिया है ए ग्रेटर बी, यहां दे दिया ए ग्रेटर सी और सी लेस देन बी, तब पूछे ए ग्रेटर बी और फिर बोल दे ए लेस देन इक्वल टू बी, अगर ये हमारे ऑप्शंस में दोनों चीजें हो, मतलब कि ए और बी के बीच में तीन सिंबल या तीन रिलेशंस, पहला ग्रेटर का, दूसरा लेस का और तीसरा हमारा इक्वल टू का मिलता है किसी भी दो एलिमेंट के बीच में, जब कंडीशंस ऐसा हो और ऐसा दिया हुआ हो और उनके बीच में अगर हमारे कंक्लूजन्स के निष्कर्ष पे जो निष्कर्ष दिया हुआ होता है उनमें तीनों सिंबल निकलता है तो केस इधर के रूप में जाता है। अगर तीनों में से कोई भी दो सिंबल निकलता है तो वो हमेशा क्या होगा जी, सी एंड डी के रूप में जाएगा। तो अब यहाँ पे तो हम कह नहीं सकते हैं कि एफ और यू, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम ग्रेटर पुट कर रहे हो, यहाँ पे इक्वल टू हो गया, यहाँ पे फिर क्या होगा जी, लेस देन का, एक सिंबल यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, एक सिंबल यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे एक सिंबल जो छुटा हुआ है वो यहाँ पे एक लेस देन अपना ले लेना, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लेस देन का सिंबल है। अब देखो इसको पुट करो आप यहाँ पे, तो हमने पहले क्या पुट किया जी, ऑप्शन नंबर बी को, डी ग्रेटर देन एफ इक्वल टू वी, वी लेस देन टी और टी लेस देन यू, जब ये इक्वेशंस बना तो क्या ये हमारा एफ ग्रेटर इक्वल टू ट्रू होगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए अब क्या बोला, कंसीडरिंग द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, तो क्या दिया हमारा स्टेटमेंट जी, टी इक्वल टू यू, यू ग्रेटर देन वी, वी लेस देन आर, फिर बोला है कि पी ग्रेटर इक्वल टू क्यू,
क्यू ग्रेटर देन आर, आर इक्वल टू एस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। वंस अगेन हमको फाइंड करना क्या जी, डेफिनेटली ट्रू। तो ऑप्शन को रीड करो, ऑप्शन पहले क्या बोला, यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, मतलब कि यू का क्यू के साथ रिलेशन दे रहा है। अब देखो कि यू और क्यू कैसे ऐड होगा, तो हमारे पास यहां दोनों के लिए ऐड करने के लिए आर है, कोई बात नहीं, यू ग्रेटर देन वी ग्रेटर देन आर, ठीक है। अब यहां आर हो गया तो आर लेस देन क्यू होगा। अब बताओ कि यू और क्यू के बीच में क्या कोई डिफिनेट रिलेशन बन सकता है, इनके बीच तो ग्रेटर का भी रिलेशन बनेगा, लेस का भी बनेगा और इक्वल टू का भी बनेगा। जब इन दोनों में से कोई, इन तीनों में से कोई भी दो रिलेशन दिया हुआ हो तो हमारा आंसर क्या होता है जी, सी एन डी का होता है। तो सी एन डी हो गया तो यह हमारा रॉन्ग हो गया। फिर इसके बाद क्या बोला जी, ऑप्शन नंबर टू बोला है वी लेस देन पी, वी हमारा यहां पे है और फी हमारा पी यहां पे है। एक चीज देखो आप, कुछ नहीं केवल बस वी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, क्यू ग्रेटर देन आर, आर हो गया और वी जो है ना आर से छोटा है, तो ऑफकोर्स यहां पे आप इसको अगर आप बाहर लिख देते हैं हम, ये हो गया हमारा क्यू ग्रेटर देन आर और आर जो है ना वो वी से क्या है जी, वी जो है ना लेस देन आर है, तो आर ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा जी, वी हो गया। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब यहां पे देखो, यहां पे ग्रेटर का सिंबल है, यहां पे ग्रेटर का सिंबल है, तो यहां से जो पी चलेगा वो केवल इक्वल टू और ग्रेटर यहां पे क्यू के लिए होगा, लेकिन बाकी सब आर और वी से हमारा पी जो होगा वो ग्रेटर होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौवा क्वेश्चन साइलो से है, साइलोलिज्म से है। क्या बोल रहा है जी, स्टेटमेंट हमारा ऑल बूट्स आर शाइन, ठीक है जी, सभी हमारा जो बूट्स है वो क्या है जी, शाइन है, ठीक है। नो साइन इज वॉलेट, कोई भी साइन जो है ना वो वॉलेट नहीं है, क्लियर है। सम वॉलेट आर बीन्स, कुछ वॉलेट जो है ना वो क्या है जी, बीन्स है। ऑल बीन्स आर हैकर, सभी बीन्स जो है ना वो क्या है, हैकर है, क्लियर। ये हमारा सारा स्टेटमेंट हो गया। अब हमारा कंक्लूजन क्या बोला, पहला कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या बोला है कि सम हैकर्स आर शाइन, सम हैकर्स आर शाइन। अब एक चीज देख लो, यहां पे कंक्लूजन पे आने से पहले पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी, पॉसिबिलिटी जो है ना वो बूट्स का और साइन का, इन दोनों का, बीन्स और हैकर के साथ सभी की सभी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो ऑल की पॉसिबिलिटी हो, चाहे वो सम की पॉसिबिलिटी हो, चाहे वो नो की पॉसिबिलिटी हो, तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा। अगर इन दोनों का, इन दोनों के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन देता है, विदाउट पॉसिबिलिटी देता है, तो वो हमारे स्टेटमेंट डाउटफुल होते हैं। अ सिंगल डाउटफुल, हमेशा याद रखिएगा, सिंगल डाउटफुल हमेशा रॉन्ग होता है, ठीक है। चेक करते हैं हम हमारा कंक्लूजन क्या दिया है। कंक्लूजन बोला है कि सम हैकर्स आर साइन। अब देखो कि हैकर्स और साइन के बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन है नहीं, डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, तो जब डायरेक्ट रिलेशन हमारा नहीं है तो जो स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया हुआ है वो हमारा क्या हुआ जी, डाउट फुल हुआ है, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि क्या बोलते हैं जी, शाइन और हैकर्स के बीच में जो भी रिलेशन बनेगा वो पॉसिबिलिटी के रूप में बनेगा, पॉसिबिलिटी के रूप में बनेगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या बोला कि सम वॉलेट आर बूस्ट, कुछ वॉलेट बूस्ट है। ये बात तो गलत है, क्योंकि बूस्ट हमारा यहां पे, शाइन यहां पे, जब बड़े वाले का, ये हमारा बड़ा वाला है, इसका संबंध पड़ोसी वाले वॉलेट से नहीं है, नहीं है, तो फिर अंदर वाले का वॉलेट के साथ रिलेशन कैसे हो सकता है। ये इंडिया मान लो, मान लो कि कुछ वक्त शाइन जो दिया ना वो इंडिया है, इंडिया का संबंध चाइना से नहीं है, इंडिया का संबंध किससे नहीं जी, चाइना से नहीं है। पाकिस्तान मत सोचना, पाकिस्तान हमारे अब तो औकात में भी नहीं है इंडिया के, तो पाकिस्तान के बारे में सोचना नहीं है। अब हमारी कंपटीशन चाइना, अमेरिका और रसिया से है, हम पाकिस्तान से बहुत आगे आ चुके हैं। चलो ट्रैक पे आ जाओ, वापस ट्रैक पे आ जाओ। साइन का मान लो कि ये इंडिया है, ये हमारा चाइना है, तो बोला कि कोई भी ट्रेड या कोई भी व्यापार भारत का चाइना के साथ नहीं हो रहा है। अब ये मान लो बिहार है, तो सभी बिहार या कुछ बिहार चाइना से संपर्क कैसे रख सकते हैं, क्योंकि भाई इसके लिए बॉर्डर है ना भाई इंडिया का, और इंडिया के बॉर्डर पे जब ऑथराइज्ड मिलेगा ही नहीं तो हम चाइना में एंट्री कैसे कर सकते हैं, सेम कंडीशन से। तो साइन का जब वॉलेट के साथ कोई भी रिलेशंस नहीं है तो बूस्ट का वॉलेट के साथ रिलेशन कैसे होगा, ये तो कन्फर्म हमारा हो गया, तो कंक्लूजन हमारा कन्फर्म है, तो नहीं होगा, तो ये हमारा क्या होगा जी, गलत होगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरे कंक्लूजन पे। तीसरा कंक्लूजन क्या बोला है कि नो हैकर इज साइन, कोई भी हैकर साइन नहीं है। अब देखो कोई भी हैकर साइन नहीं है, वापस सिंगल डाउटफुल है, सिंगल डाउटफुल,
ठीक है जी। अब कैसे कह सकते हैं कि साइन और हैकर का संबंध नहीं है, हो भी तो सकता है ना जी। नो का भी रिलेशन हो सकता है, सम का भी रिलेशन हो सकता है, ऑल का भी रिलेशन हो सकता है, क्लियर है। चौथा कंक्लूजन क्या बोला है, चौथा कंक्लूजन बोला है कि सम बींस आर साइंस, कुछ बींस साइंस है। वापस देखिए, कुछ बींस साइंस है, साइन और बींस का रिलेशन डायरेक्ट कोई नहीं है, तो हमारा ये भी क्या होगा जी, सिंगल स्टेटमेंट डाउटफुल हो गया। ठीक है जी, अब आ जाओ एक चीज देखो हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट नंबर, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट और कंक्लूजन नंबर थर्ड, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट और कंक्लूजन नंबर थर्ड जो है ना, ये दो बातें, दो बातें क्या जी, सम की पॉजिटिव बातें और निगेटिव बातें, दोनों बातें सेम दो एलिमेंट्स के बीच कहा है। मतलब किसके किसके बीच जी, साइन और हैकर्स के बीच में सम की भी बात कहा है और नो की भी बात कहा है, दोनों की बात कहा है। और पॉसिबिलिटी क्या होती है, किसी भी दो एंटिटीज के बीच में जो सीधे तौर पर रिलेशन नहीं होता है, उनके बीच में हो भी सकता है रिलेशंस और नहीं भी हो सकता है। अब चाहे रिलेशंस पूरे हो सकता है या कुछ हो सकता है, नहीं का मतलब तो पूरा नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये दोनों पहले और तीसरे जो है ना, वो इधर के केस में आएंगे, किसमें जी, इधर के केस में आएगा। और चौथा जो है वो सिंगल डाउटफुल है, और सिंगल डाउटफुल हमेशा क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, ओनली इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलोड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन वंस अगेन साइलो से, क्या बोला जी स्टेटमेंट हमारा, सम रो आर बैग्स, ठीक है जी, कुछ रो जो है ना वो क्या है, बैग्स है। आगे बोला कि सम बैग्स आर हेड्स, कुछ बैग्स जो है ना वो हेड्स है, ठीक है जी। ऑल हेड्स आर क्या जी, लॉस है, ठीक है, ऑल हेड्स, ये सभी के सभी हेड्स जो है ना वो क्या है, लॉस है, लॉस, ठीक है जी। आते हैं हमारा, अब फिर क्या बोला जी, सम लॉस आर विंग्स, सम लॉस व क्या है जी, विंग्स है। ये हमारा हो गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या बोला है, पहला कंक्लूजन बोला कि सम लॉस आर बैग्स, सम लॉस आर बैग्स, ये बात तो सही है, ऑफ कोर्स सही है, क्योंकि हेड लॉस के क्या बोलते हैं जी, लॉस के अंदर है, तो वह पार्ट जो हेड का एल के साथ जुड़ा हुआ है, ऑफ कोर्स वो बी के साथ जुड़ेगा, ऑफ कोर्स। तो पहला हमारा कंक्लूजन क्या हुआ जी, ट्रू हो गया। दूसरा क्या बोला है, सम हेड्स आर विंग, कुछ हेड विंग्स है। अब देखो कि हेड का और विंग का संबंध डायरेक्ट तो कोई नहीं है, तो सिंगल डाउटफुल हो गया, सिंगल डाउटफुल हो गया, क्लियर है। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है जी, तीसरा हमारा क्या बोला है कंक्लूजन्स, तीसरा कंक्लूजन बोला है कि सम लॉस आर रो, कुछ लॉस रो है। अब देखो कि रो और लॉस के बीच में डायरेक्ट कोरिलेशंस है, नहीं है, तो ये भी क्या होगा जी, डाउटफुल हो गया, ठीक है। और चौथा हमारा कंक्लूजन क्या बोला है, चौथा कंक्लूजन बोला है कि सम विंग्स आर बैक, सम विंग्स आर बैक। वंस अगेन एक बार चेक करो कि विंग्स का संबंध बैक के साथ है, डायरेक्ट तो कोरिलेशंस नहीं है, तो ये भी क्या हो गया जी, डाउटफुल हो गया। अ सिंगल डाउटफुल हमेशा क्या होता है जी, रॉन्ग होता है। तो हमारा एक ही कंक्लूजन ट्रू हुआ, वो है ओनली फर्स्ट फॉलोड, क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस में, सेवन पीपल्स ए बी सी डी ई एफ जी लिविंग इन अ सेवन फ्लोर अपार्टमेंट नंबर, अपार्टमेंट नंबर्स फ्रॉम। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि एक अपार्टमेंट है जिसमें सात व्यक्ति रहते हैं, उस अपार्टमेंट में सात फ्लोर हैं, ठीक है। आगे क्या बोला, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं कि ये जो सातों व्यक्ति हैं ना ये इसी क्रम में बैठे हुए हो इस बिल्डिंग में। अब बोला है कि यहाँ बोला है कि सेवन बिगिंस टॉप मोस्ट फ्लोर, जो सातवां फ्लोर है वो सबसे ऊपर में है, तो सातवां फ्लोर सबसे ऊपर हो गया, तो अब बाकी सब फ्लोर को नीचे, इसके नीचे ले सकते हैं, सात छ पाँच चार तीन दो और एक, ये हमारे पूरे के पूरे फ्लोर हो गए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस में क्या बोला कि दे बाउट डिफरेंट आइटम्स, ये जो है ना अलग अलग आइटम्स को खरीद रहे हैं, एसी, वॉच, स्पीकर, टीवी, लैपटॉप, रेडियो, फोन, ये सात व्यक्ति सात फ्लोर पर रहते हैं और सात अलग अलग आइटम्स को परचेज करते हैं। फर्दर इट इज नोन एज दैट,
अब हम इस प्रकार जानते हैं कि द पर्सन ऑन द सेकेंड फ्लोर बाउट अ स्पीकर, वह व्यक्ति जो सेकेंड फ्लोर पे है वो क्या परचेस कर रहा है, स्पीकर परचेस कर रहा है। क्लियर है? तो जो सेकेंड फ्लोर बैठा व्यक्ति है वो स्पीकर को परचेस कर रहा है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने पे क्या बोला है, आगे बोला कि द एसी, हाँ यहां पे ई लीव इन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव द पर्सन हु बाउट फोन। ई जो है ना उस फ्लोर पे रहता है जो व्यक्ति फोन खरीदता है उसके एकदम ऊपर वाले फ्लोर पे। तो फोन खरीदने वाला व्यक्ति किसी न किसी फ्लोर पे लीव करेगा, जिस भी फ्लोर पे वो लीव करेगा फोन खरीदने वाला व्यक्ति, इसके इमीडिएट अबव में कौन रहेगा जी, ई रहेगा। क्लियर है? आगे क्या बोला, आगे बोला कि द एसी ओनर वाज अबव ई, जो एसी का ओनर है या जो व्यक्ति एसी खरीद रहा है वह ई के अबव में है। क्लियर? ये पूरा का पूरा लाइन हमारा यहां पे ऐड हो गया। आगे क्या बोला, आगे बोला है कि डी डिड नॉट ओन रेडियो, डी जो है ना वो रेडियो को परचेज नहीं कर रहा है। ठीक है, डी जो है ना वो रेडियो को परचेज नहीं कर रहा है। जी बाउट अ वॉच, जी जो है ना ये क्या परचेस कर रहा है, एक वॉच को परचेस कर रहा है। ठीक है, जी हमारा एक वॉच परचेज कर रहा है। इसके बाद क्या बोला, आगे बोला कि ए लिविंग इमीडिएट अबव डी, ए जो है ना वो डी के एकदम ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है। ठीक है, एंड और इमीडिएट बिलो जी, जी ए के बारे में बोला है कि ए जो है ना डी के एकदम ऊपर और जी के एकदम नीचे वाले फ्लोर पे बैठा है। मतलब कि ये जो तीनों व्यक्ति है ना कहीं भी बैठेंगे एक साथ बैठेंगे। और डी को क्या पसंद नहीं है जी, तो डी को रेडियो, मतलब डी जो है ना वो रेडियो परचेज नहीं कर रहा है। क्लियर? आगे बढ़िए, आगे क्या बोला है, आगे बोला है देयर वेयर फोर पीपल्स बिटवीन द वन हु बाउट टीवी एंड डी। इस लाइन को पकड़िएगा, बोला है कि देयर वेयर फोर पीपल्स बिटवीन द वन हु बाउट टीवी एंड डी। एक बार फिर से दिया है अकॉर्डिंग टू डी, डी के बारे में कि डी और जो व्यक्ति टीवी खरीद रहा है, जो टीवी परचेस कर रहा है उनके बीच में कुल चार व्यक्ति हैं। क्लियर? तो डी से एक संबंधित बहुत सारे स्टेटमेंट दिया है, डी से संबंधित यहाँ पे है, डी रेडियो नहीं परचेस कर रहा है, और फिर ए और जी और डी ये तीनों के तीनों एक साथ है। तो हमारे इस पजल को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं डी जो है ना मोर इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन सूचना जो है ना बहुत दिया गया है। फिर वेयर बोला है, यहाँ बोला कि वेयर डी वॉज बिलो द फॉर्मर, अब बोला है कि इनसे पहले जो यहाँ पे चर्चा किया है ये टीवी से लेकर डी तक में, इनमें सबसे नीचे पहले कौन आ रहा है, डी आ रहा है। तो सीधी सी बात है हमारे पास डी जो है ना, अब टीवी से लेकर डी तक के बीच में कुल कितने फ्लोर हो गए जी, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बनी, एक पॉसिबिलिटी और रख के चलते हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 7। मान लो कि डी हमारा इस कंडीशंस में सेकंड फ्लोर पे है और वह स्पीकर को परचेस किया। क्लियर है? तो 1 2 3 4 यहाँ पे सातवें फ्लोर पे कौन हो गया जी, टीवी हो गया। ठीक है जी, वह व्यक्ति बैठा है जो टीवी परचेस कर रहा है। क्लियर है? अब इस पॉसिबिलिटी में ले लो कि मान लो कि डी हमारा पहले फ्लोर पे है, तो यहाँ देखो डी और टीवी के बीच में चार व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4। अब हमारा जो छठे फ्लोर पे जो बैठेगा वह व्यक्ति बैठेगा जो टीवी परचेस कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे क्या बोला, अब हमारे पास एक एक लाइन ये ले लो, कौन सा बॉक्स जी, ये वाला, क्योंकि डी बैठ गया तो फिर हमारा ए बैठेगा और जी बैठेगा। दैट मींस इस पॉसिबिलिटी में थर्ड फ्लोर पे हमारा ए बैठेगा और फोर्थ फ्लोर पे कौन बैठेगा, जी बैठेगा। इस पॉसिबिलिटी में हमारा जो सेकंड पॉसिबिलिटी है और ये हमारा फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी में सेकंड फ्लोर पर ए बैठ गया और थर्ड फ्लोर पर जी बैठ गया। क्लियर है? इसका भी काम हो गया है, इसका भी काम हो गया है। और अब जैसे ही जी बैठा तो जी से संबंधित एक और दिया था कि जी जो है ना वो वॉच खरीद रहा है। तो थर्ड फ्लोर पे सेकंड पॉसिबिलिटी में थर्ड फ्लोर पे हमारा जी बैठा है, तो क्या परचेज किया जी, ये वॉच परचेज किया। क्लियर है? अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी में जी जो है ना वो चौथे नंबर फ्लोर पे बैठा है, तो ये क्या परचेज किया जी, जी हमारा वॉच परचेज किया। इसका भी काम हो गया है, चलिए इसका भी काम हो गया, बाकी सब काम हो गया। अब आते हैं इसको पकड़ते हैं, इसके बारे में क्या बोला है कि फोन
खरीदने वाला व्यक्ति जिस फ्लोर पे है उसके इमीडिएट अबव में ई है, ठीक है। तो फोन खरीदने वाला व्यक्ति यहां पे तो थर्ड फ्लोर पे तो बैठेगा नहीं, क्योंकि इसके इमीडिएट अबव में जी ऑलरेडी बैठा हुआ है। दैट मीन्स से फर्स्ट पॉसिबिलिटी में पांचवें नंबर पे वह व्यक्ति बैठेगा जो फोन परचेस कर रहा है। आज ऐसे ही फोन परचेस किया, इसके इमीडिएट अबव में मतलब छठे नंबर फ्लोर पे कौन बैठेगा जी, ई बैठेगा। अब तो यहां तक हो गया। अब आगे बोला कि ई के ऊपर में किसी एक फ्लोर पे वह व्यक्ति बैठ रहा है जो एसी परचेस कर रहा है, क्लियर है। तो अब देखो ई के ऊपर में सातवें फ्लोर पे और सातवें फ्लोर पे ऑलरेडी हमारा क्या बैठा है जी, वह व्यक्ति बैठा है जो टीवी परचेस कर रहा है। दैट मीन्स यहां पे एसी के लिए तो प्लेस बचा नहीं, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। अब आते हैं हम इस कंडीशंस में, इस कंडीशंस में हम अगर अब आते हैं तो हमारा थर्ड फ्लोर पे जी बैठ गया है। तो अब हमारे पास क्या है कि किस व्यक्ति को, अब इस लाइन को अगर हम पुट करते हैं सेकेंड पॉसिबिलिटी में, तो चौथे नंबर फ्लोर पे फोन खरीदने वाला व्यक्ति बैठ गया, ठीक है। अब फोन परचेस करने वाला व्यक्ति चौथे नंबर फ्लोर बैठ गया, तो इसके जस्ट इमीडिएट अबव मतलब कि पांचवें नंबर फ्लोर पे कौन बैठेगा जी, ई बैठ गया। ये भी क्लियर हो गया, क्लियर है। अब आगे बोला है कि ये लाइन बोला है कि ई के ऊपर वाले किसी एक फ्लोर पे वह व्यक्ति बैठेगा जो एसी परचेस कर रहा है। तो हमारे पास एक सातवां फ्लोर बाकी है और यहां पे कौन बैठ गया जी, वह व्यक्ति बैठा जो एसी परचेस कर रहा है। यहां तक होगी बातें, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखो दो चीजें बची हुई है अभी जो बाउट करने के लिए, एक पहला जो है रेडियो है, एक हमारे पास जो गुड्स बचा हुआ है, सामान बचा हुआ है, वो एक रेडियो बचा हुआ है, और एक जो बचा हुआ है वो है लैपटॉप, ठीक है। अब एक लाइन यहां बोला हुआ था कि डी डिड नॉट ओन रेडियो, मतलब डी जो है ना रेडियो नहीं खरीद रहा है। तो जब डी के लिए रेडियो नहीं होगा तो डी के लिए क्या होगा जी, लैपटॉप होगा, ठीक है। और डी हमारा पहले फ्लोर बैठा है, तो ये हो गया हमारा लैपटॉप, क्लियर है। अब एक बचा हमारे पास ई, और ई के लिए क्या हो गया जी, रेडियो हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दो व्यक्ति बिठाने हैं, एक हमारे पास सातवें नंबर फ्लोर पे, एक हमारे पास छठे नंबर फ्लोर पे, और चौथे नंबर फ्लोर पे व्यक्ति को बैठाना है, क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे बोला है कि बी लिविंग ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, बी जो है ना ऑड नंबर फ्लोर पे बैठा हुआ है। तो हमारे पास जो फ्लोर बचे हैं वो सात, छः और चार, तो छः और चार ये दो इवन फ्लोर है, तो बी हमारा जो है ना सातवें नंबर फ्लोर, मतलब कि वो ऑड नंबर फ्लोर पर बैठ गया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास जो बचे हुए हैं, अब एक लाइन दिया था कि सी हु वाज ऑन सिक्स नंबर फ्लोर, सी जो है ना वो किस फ्लोर पे जी, छठे नंबर फ्लोर पे है, तो छठे नंबर फ्लोर पे हमारा कौन बैठ गया जी, सी बैठ गया, क्लियर है। अब आगे बढ़िए, एक व्यक्ति कोई बचा है और एक फ्लोर बचा है, वो कौन सा जी, फोर्थ फ्लोर है, और व्यक्ति कौन बचा हुआ है, एफ, ठीक है। तो ये रहा हमारे इस पजल का सॉल्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं और इस पे जो पांच क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये रहा हमारा फाइनल कंक्लूजन। पहला क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द फ्लोर नंबर ऑफ रेडियो ओनर एंड वॉच ओनर, जिस फ्लोर पे रेडियो जो परचेस किया है वो रहता है, और जिस फ्लोर पे वॉच परचेस करने वाला व्यक्ति है उनके बीच का डिफरेंस। तो रेडियो जो खरीदा है वो पांचवें नंबर फ्लोर पे है, और जो वॉच खरीदा है वो थर्ड नंबर फ्लोर पे है, तो इनके बीच का, इनके फ्लोर के बीच का डिफरेंस कितना है जी, दो का। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। आगे बोला क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु लिव्ड इमीडिएटली अबव एफ, F के एकदम ऊपर वाले फ्लोर पे कौन बैठा है, तो F के एकदम ऊपर वाले फ्लोर पे कौन बैठा है, C बैठा है, तो ऑप्शन नंबर B। Which device was bought by B, B जो है ना कौन सा डिवाइस खरीद रहा है, तो B हमारा AC परचेस कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर D। फिर बोला अगला क्वेश्चन की Who amongst the following were living on the event floor, वह बोला कि कौन बताए कि इवेंट नंबर फ्लोर पे कौन कौन बैठा हुआ है। पहला ऑप्शन पहला बोला है सी, सी हमारा इवन नंबर फ्लोर पे है, हाँ है। ए हमारा इवन नंबर फ्लोर पे है। थर्ड ऑप्शन से एफ हमारा इवन नंबर फ्लोर पे है, हाँ है। तो ऑल आर थ्री, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर नंबर जी एंड बी, जी और बी के बीच के फ्लोर का डिफरेंस कितना है, तो जी हमारा तीसरे नंबर पे है, बी हमारा सातवें नंबर पे है, इनके बीच का जो फ्लोर डिफरेंस है वो है जी चार का है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।